Hi guys, how are you all? So I hope you all are doing good and enjoying the rain outside because I don't do really. Because ये rain की वजह से ना मेरी scalp बहुत ज़्यादा itchy and you know बहुत ज़्यादा कैसे dandruff भरी and chippy और क्या बोलो भाई बहुत ही बेकार हो रखी है. Last 1 week से मैं हर दिन भीग रही हूँ and उसके वजह से मेरी scalp बहुत ज़्यादा irritated feel कर रही थी. And what all hair care routine, scalp routine I follow, this is going to be that video. And आपको सारी links, सारी product के link description में मिल जाएंगी. And आप किस तरीके से अपनी scalp की hair की care ले सकते हो इस video में मैं आपको detail में बताने वाली हूँ. So do not skip the video and watch till end because this is going to be very very helpful for you. आप देख सकते हो एंड पहचान सकते हो मेरे बालों से, बिल्कुल जान सकते हो कि कितनी ज़्यादा गीली है. सो स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट रूटीन, द फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड ऑलवेज ऑलवेज यू नो फॉलो एंड यू आर नॉट गोइंग टू स्किप इट. इट्स द ऑयलिंग रूटीन दैट आई फॉलो एंड दिस इज द ओनली हेयर ऑयल दैट आई ऑलवेज ट्रस्ट बिकॉज दिस डेफिनेटली सूट्स मी, हैव गिवन मी गुड रिजल्ट्स एंड usually everyone loves it. Okay, this is a basic virgin coconut oil from Wow Skin Science and this is very readily, very easily available in Amazon. Please do check, all the links are in the description box. तो मैं इसको कैसे यूज करती हूँ, आपको वीकली वंस और ट्वाइस डेफिनेटली हेयर ऑयलिंग करनी है. आपको हेयर ऑयलिंग स्किप नहीं करनी है, चाहे आपको लगे जितना भी लगे कि मेरी भाई मेरी स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है, यू आर नॉट गोइंग टू स्किप इट. रिमेम्बर उसको लेके अपने हाथों से मालिश कर सकते हो अपने स्कैल्प पे टिल योर रूट्स. अगर भी आप ओवरनाइट नहीं रख सकते ऑयल को देन डू माइंड कि आप इसको मिनिमम 3 से 4 घंटे नहाने से बाल धोने से पहले लगाएं एंड 3-4 घंटे तो रहने ही दें अपने स्कैल्प पे ताकि वो एक अपना असर कर पाए. ठीक है, नाउ कम्स द नेक्स्ट मॉर्निंग और डे व्हेन यू आर गोइंग टू यू नो हेयर वॉश. सो क्या होगा वो बेस्ट हेयर वॉश प्रोडक्ट, द हेयर शैम्पू दैट आई एम यूजिंग एंड आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड इज दिस वन. दिस वन इज द लव ब्यूटी एंड प्लैनेट्स आर्गन ऑयल एंड लैवेंडर बेस्ड शैम्पू, द स्कैल्प वॉश आई कैन से. सो दिस इज अ सल्फेट फ्री शैम्पू एंड दिस हैज दैट कामिंग इफेक्ट, कामिंग यू नो फॉर्मुलेशन दैट इज सुइटेबल फॉर ऑल स्कैल्प टाइप. ये अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. ये आपके हेयर फॉल में तो डेफिनेटली काम करेगा एंड उसके अलावा अगर आपको एक एडिशनल शैम्पू की जरूरत है, जैसे कि आपको एडिशनली आपको हाइड्रेटिंग से बाल चाहिए, आपके बहुत ज्यादा ड्राई बाल है, ठीक है, तो आप एक इसके बाद आप फॉलो कर सकते हो एक हाइड्रेटिंग शैम्पू के साथ एंड देन जस्ट फाइनली वॉश इट ऑफ. यू नो मिक्सिंग मैचिंग दी डिफरेंट शैम्पूज विल गिव यू गुड रिजल्ट्स एंड हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा एंड दूसरे शैम्पू से आपको वो जो डिजायर्ड एक्स्ट्रा इफेक्ट चाहिए आपके बालों में वो भी मिल जाएगा. शैम्पू के टाइम में मैं और कौन सी एक चीज है जो बिल्कुल ही फॉलो करती हूँ, ये स्कैल्प मसाजर है. ठीक है, मसाज के अलावा ये एक्सफोलिएट भी बहुत अच्छे से करता है, स्कैल्प को क्लीन करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और ये है वाव स्किन साइंस से. आप इसको डेफिनेटली ट्राई करना. इसके जो ब्रिसल्स है ना, मैं आपको पास से दिखा दूं, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है आपके स्कैल्प के डेड स्किन सेल्स के लिए, तो वो उतना ज्यादा अच्छा असरदार रहेगा. आप अगर जब आपके बाल थोड़े से वो जो यू नो क्लीन होने के फेज में है, शैम्पू लगा हुआ है आपके बालों में, इसको लेके आप अच्छे से मसाज दे दो एक, तो क्या होगा जो ये डेड स्किन सेल डैंड्रफ्स है वो सब निकल जाएंगी एंड आपकी स्कैल्प है ना बिल्कुल ही ऐसे क्लीन क्लीन हो जाएगी. ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो ड्यूरिंग दी शैम्पू टाइम. मैं चाहती हूँ कि मेरे बालों में जो बेजान से बाल हैं अभी मॉनसून के टाइम में वो थोड़ा सा शाइनी दिखे. सो नाउ आई एम यू नो करेंटली यूजिंग दी सेकेंड स्टेप में ये मास्क विच इज रियली रियली थिक. सो दिस इज फ्रॉम बी ब्लंट एंड दिस इज द इंटेंस शाइन हेयर मास्क. And this claims that this softens, this smoothens, adds shine. Definitely smoothens and adds that extra conditioning effect. Makes my hair hydrating. This really works. And basic कोई भी hair mask का काम वही होता है कि extra hydration provide करे अपने बालों में. So this really really works and you can just give this a try. I'll just show how it looks. This is seriously really thick. See. Once you're out from your shower, so आपको क्या फॉलो करना है, आपको एक कॉटन
टॉवल से आपको पूरा रैप कर देना है। फर्स्ट ऐसे यू नो स्क्वीश करके सारे बालों से मैंने वो जो पानी है ना उसको निकाल दें। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि थोड़ा टाइम वेट करना है ताकि वो जो एक्सेसिव वाटर है वो निकल जाए, वो सूख जाए वो कॉटन टॉवल से। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये फॉलो करती हूँ, दिस इज दी हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे, ये मैं पहले स्प्रे करती हूँ। फिर एक ब्लो ड्राई रूटीन फॉलो करती हूँ जो कि डेफिनेटली रेगुलर है। एंड मॉनसून में आपको डेफिनेटली अगर यू आर दी वन लाइक मी सेइंग कि मुझे एक्स्ट्रा हीट टूल या हीट ऐसे अपने बालों में नहीं डालना, नहीं यूज करना, वो अपने आप वो ड्राई होने दें, नो दिस वोंट वर्क ड्यूरिंग एटलीस्ट दिस मॉनसून स्किन केयर। ऐसे रहे कि आपके बाल ज्यादा झड़ेंगे, ज्यादा हेयर फॉल होगा, सो आप उसको इग्नोर करें। यूज दिस और एनी काइंड ऑफ यू नो हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे, दिस फ्रॉम अगेन फ्रॉम बी ब्लंट, दिस बी ब्लंट हॉट शॉट दिस वन। सो इसको मैं अपने बालों में पूरा ऐसे स्प्रे कर लेती हूँ, लाइक यू नो फिस 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 फिस, देन आई जस्ट फॉलो द रेगुलर ब्लो ड्राई मेथड। एंड फाइनली जब थोड़ा सा जैसे अभी मेरी बाल 80% ड्राई हो चुकी है, सो नाउ आई विल बी फॉलोइंग द लास्ट स्टेप विथ यू एंड वी विल बी यू नो वाइंडिंग अप द वीडियो। सो नाउ इन द लास्ट स्टेप व्हाट आई रियली फॉलो इज यू नो एनी सीरम इज ओके फॉर मी, आई रियली डोंट माइंड। मैं बहुत ज्यादा सीरम यूज भी नहीं करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ऐसे ओवर मॉइस्चराइज बाल भी नहीं पसंद, सो आई बी टेकिंग अ वेरी लिटिल अमाउंट, वेरी फ्यू ड्रॉप्स, लाइक 2-3 drops मैक्सिमम इस सीरम का। करेंटली दिलीप इज लविंग दिस वन एंड दिस इज फ्रॉम लॉरियल पैरिस टोटल रिपेयर फाइट स्मूदनिंग एंड रिपेयरिंग सीरम। भाई इतना सारा क्लेम करता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक है, ही लव्स इट। ओके सो दिस मच इज एनफ, थोड़ा वॉर्म्थ आ जाए पाम में, सारी बालों में इस तरीके से बस लगाते जाना। स्कैल्प में सीरम कंडीशनर ये सारी चीजें आपको टच नहीं करवानी है भाई, बहुत गंदी डैंड्रफ हो जाती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो या दिस वॉज ऑल एंड दिस इज ऑल आई फॉलो करेंटली एंड आई एम श्योर आपको भी हेयर फॉल हो रही है, हेयर फॉल की बहुत ज्यादा चिंता है, क्या यूज करें कि वो हेयर फॉल कम हो जाए, घट जाए, बिल्कुल बंद ही हो जाए, बट मॉनसून में ये होने नहीं वाला। सो आपको ये सारी स्टेप्स कुछ जो यू नो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपकी फॉलो करनी चाहिए, तो फॉलो जरूर करना एंड उस वे से आपकी हेयर फॉल काफी ज्यादा कम हो सकती है। सो या दिस वॉज ऑल टू टॉक रिगार्डिंग दी हेयर केयर रूटीन इन दिस वीडियो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत जल्दी आएगी। टिल द टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एवरीबॉडी अराउंड यू, बाय बाय।